वेलकम बैक टू ऑन माय यूट्यूब चैनल वर्चुअल विद माइसेल्फ इंजीनियर आर्कियोलॉजी बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम एनआईटी पटना। नाउ आई टुडे टॉक अबाउट बेसिक मैथमेटिक्स एंड इन बेसिक मैथमेटिक्स डिफरेंशिएशन। नाउ प्रीवियस टू लेक्चर आई डिस्क्राइब्ड अबाउट फंक्शन एंड डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शन and differentiation table, okay, and two roots, sum and differentials. And today I talk about multiplication rule. तो आइए समझते हैं क्या है differentiation का multiplication rule, क्या होगा, जोड़ घटाओ तो सीख लें, गुना क्या होगा। देखिए कोई function प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन हो, जैसे एफ एक्स इंटू जी एक्स, समझ गए, तो इसे डी वाई बाई डी एक्स क्या करेंगे, एक फंक्शन को कॉन्स्टेंट रखेंगे एफ एक्स इंटू दूसरे फंक्शन को क्या करेंगे डिफ्रेंशिएट कर देंगे डी जी एक्स अपॉन डी एक्स प्लस, अब इसे कॉन्स्टेंट मानेंगे जी एक्स इंटू डी एफ एक्स अपॉन डी एक्स। इसी तरह लोग इसे याद रखते हैं ऐसे वाई बराबर यू इंटू भी के फॉर्म में याद करते हैं, पहला फंक्शन क्या है यू, दूसरा फंक्शन क्या है भी, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा यू इंटू डी वी बाई डी एक्स प्लस भी इंटू डी यू बाई डी एक्स। ओके तो आइए समझते हैं एक न्यूमेरिकल के साथ, इसे आप लोग को याद रखना कि यदि कोई फंक्शन y दो फंक्शन का प्रोडक्ट हो तो उसका डिफरेंशिएशन कैसे होगा। आइए समझते हैं, यदि y बराबर ले लेते हैं e की पावर x इंटू साइन एक्स, देखिए एक फंक्शन है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, दूसरा क्या है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, दो फंक्शन है तो इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए डी वाई बाई डी एक्स क्या करेंगे, एक बार इसको एक बार कॉन्स्टेंट माने e के पावर x इंटू डी साइन एक्स अपॉन डी एक्स प्लस साइन एक्स को क्या मानेंगे कॉन्स्टेंट इंटू डी e के पावर x अपॉन डी एक्स, और याद किए हैं साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इंटू ई एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है ई के पावर एक्स ही। सेम आइए और लेते हैं वाई इजकल टू एल एन एक्स इंटू टेन एक्स ले लेते हैं, कोई भी फंक्शन है ले लीजिए, आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, पहला इसे कांस्टेंट मानते हैं एल एन एक्स इंटू डी टेन एक्स अपॉन क्या हो जाएगा डी एक्स प्लस टेन एक्स को क्या मानेंगे एक कांस्टेंट इंटू डी एल एन एक्स अपॉन डी एक्स हो जाएगा एल एन एक्स, और इसका डिफ्रेंशिएशन याद किए थे क्या होगा sec स्क्वायर x प्लस टेन एक्स इंटू एल एन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है वन बाई एक्स, समझ गए ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स का फॉर्मूला। तो आप लोग प्रैक्टिस जितना से जितना हो कर सके कीजिए, समझ गए, फिजिक्स का कोई सा बुक उठाइए और जितना क्वेश्चन है डिफ्रेंशिएशन का कर जाइए। देखिए इसका सिंपल है, कोई ट्रिक नहीं, कोई शॉर्ट मेथड नहीं है, आपको डिफरेंशिएशन टेबल जिसने मैंने लिखाया है साइन का क्या होता है डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, जिस जिस ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में सी से स्टार्ट होगा उसका डिफरेंशिएशन में माइनस आना होगा, समझ रहे हैं, ये याद रखना है साइन का क्या होता है कॉस, कॉस का माइनस साइन, टेन का सेक स्क्वायर एक्स, कॉट का
माइनस कॉस के एक्स वाला एक्स, ये सब आपको याद रखना, ए के पावर एक्स का ये सेम ही रह जाता है वन बाई एक्स का। देखे थे कैसे करेंगे एक्स पावर माइनस वन करके, हाँ एक्स पावर एन का फॉर्मूला एन इंटू एक्स पावर एन माइनस वन, ये सब याद रखना है आपको कोई भी हाल में। उसके बाद जो रूल मैंने बताया है, चार रूल है, सम डिफरेंस दोनों एक ही है, मल्टीप्लीकेशन जो अभी बता रहा और डिविजन जो अभी आगे बताऊँगा, ये चार आपको याद रखना है। और सबसे इम्पोर्टेंट है चैन रूल, उस पर जितना जितना हो सके क्वेश्चन करना है, क्योंकि अगर चैन रूल में नहीं सही से कर पाए तो क्वेश्चन फंस जाएगा। मेन चैन रूल ही है, उस पर मैं और क्वेश्चन कराऊंगा, और कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में डालिएगा, हम उसका सोल्यूशन करेंगे। देखिए इसका कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, आपको याद करना पड़ेगा ना, ये समझने की चीज़ है, सिर्फ याद करने की चीज़ है, इतना तो याद कर सकते हैं, बाकी बात हम फिजिक्स में समझा देंगे। चलिए, y बराबर यदि u बाय v के फॉर्म में हो तो dy बाय dx में क्या करना है, नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर कर देना, नीचे वाले का स्क्वायर कर देना, जो भी नीचा में होगा a b c d z जितना बड़ा होगा सबको पकड़ के स्क्वायर कर देना है, और इसके ऊपर में रख के पहले dy बाय dx कर देना है माइनस u इंटू डी वी बाई डी एक्स। समझ गए क्या करना है, पहले तो नीचे वाले को स्क्वायर कर देना, उसके बाद उठा के ले जाना है, रखना है, इसे कांस्टेंट मानना है, उसको ऊपर वाले को डिफ्रेंशिएट करना है, फिर माइनस ऊपर वाला को कांस्टेंट रखना, नीचे वाला को डिफ्रेंशिएट करना है। एग्जांपल के लिए आइए एक दिखाता हूँ, वाई बराबर क्या होगा, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, कॉस एक्स, ठीक। अपन लोग ये साइन एक्स बाई कॉस एक्स क्या हो जाएगा, टेन एक्स, ऑब्वियस। अपन लोग टेन एक्स का डिफ्रेंशिएशन टेबल में याद किए थे सेक स्क्वायर एक्स, आइए डिवीजन रूल से इसको करके देखते हैं क्या आता है। आइए क्या किए, डी वाई बाई डी एक्स इसको डिफ्रेंशिएट किए, इसमें से क्या होगा, ये कॉस का कॉस स्क्वायर एक्स आ गया। अब इसे उठा के रख देना, नीचे वाले को उठना क्या है, देखिए यहाँ पर प्रायोरिटी किसको दे रहा है, नीचे वाले को, जो कि ऐसा समाज में होता नहीं, समाज में क्या करता है लोग प्रायोरिटी देता है ऊपर वाले को, तो ये उल्टा करना है, ज़माना बदल गया है, उसी हिसाब से करना है, ज़माना बदल गया है, तो पहले इसको प्रायोरिटी दो, कॉस एक्स को कॉन्स्टेंट माने, डी साइन एक्स अपॉन डी एक्स माइनस क्या करना है इसको, साइन एक्स इंटू डी कॉस एक्स अपॉन डी एक्स कर दिए। ये देखिए ये हो गया कॉस स्क्वायर एक्स, ये हो गया कॉस एक्स इंटू साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, और कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन एक्स हो गया। आप इसे करेंगे तो देखेंगे ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन वन बाय ए अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, ये क्या हो जाएगा वन अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स बराबर सेक स्क्वायर एक्स, जो कि अपन लोग याद किए थे y बराबर अगर ये टेन एक्स है तो dy वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स, ओ सॉरी यार क्या करते हैं सेक स्क्वायर एक्स, ये याद किए थे, वो हम आपको यहाँ ड्राइव करके ये डिवीजन फार्मूला से करके दिखा दिए। आइए एक क्वेश्चन और लेते हैं, y बराबर x पावर माइनस वन अपॉन
साइन एक्स ले लिया, क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, नीचे वाला का स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, और ऊपर उठा के ले जाओ इसको डिफ्रेंशिएट कर दो, डी एक्स पावर माइनस वन अपॉन डी एक्स माइनस एक्स पावर माइनस वन डी साइन एक्स अपॉन डी एक्स कर दिए। देखिए एक्स के पावर माइनस वन वाई बराबर है तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, माइनस वन बाहर आएगा, क्या करते थे पावर उठ के बाहर आया और पावर एक घट गया, एक घटाएंगे तो माइनस टू हो जाएगा, और मैंने इसे पैसे के लेक्चर में बताया था, तो ये क्या हो जाएगा माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर नीचे आ जाएगा, तो यहाँ पर लिखा जाएगा माइनस साइन एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, और ये हो गया माइनस, इसका साइन का हो जाएगा कॉस एक्स अपॉन एक्स, और ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, यही क्या हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन। तो आपको आज मल्टीप्लिकेशन रूल और डिवीजन रूल बता दी, और फाइनली एक जो बचा है क्या चैन रूल, जो कि बेसिक मैथमेटिक्स का वेरी 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 इम्पोर्टेंट है, वो कल बताएं। धन्यवाद। और हाँ, पहले जाने से पहले यदि आप लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक, और दोस्त लोग से भी बता दीजिए। बाय।